मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्ब के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोवायास मसल के बारे में। इट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड बॉडी ऑफ द लंबार वर्टेब्रा। लंबार वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी से ये स्टार्ट होते हैं। ये है लंबार वर्टेब्रा। इस लंबार वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस इनके दोनों साइड में है वहाँ से, और लंबार वर्टेब्रा की ये सामने जो दिख रहा है ये बॉडी है। इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी से ये स्टार्ट हो रहा है एंड इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड इट पासस ओवर द इलियम। ये हिप बोन की इलियम है या इलियाक फोसा है, तो उसके आगे से वो नीचे आ रहा है एंड अपर पार्ट ऑफ द फीमर में जाके ये अटैच हो जा रहा है। तो इस मसल को सोयास मसल कहते हैं। सोयास इट रन्स डाउनवर्ड एंड पासस ओवर द इलियम। ये नीचे आ रहा है और इलियम के ऊपर से वो नीचे को आ रहा है एंड इज इंसर्टेड टू द फीमर। फीमर के अपर एंड पे आके अटैच हो रहा है और इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट है, उसके नीचे से वो नीचे आके अपर पार्ट ऑफ द फीमर में आके अटैच हो रहा है। तो एंड दिस मसल हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को फ्लेक्स करने में मदद करते हैं। सो दैट वाज अबाउट द सोयास। सोयास लंबर वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे को आ रहा है इलियाक फोसा के ऊपर से वो नीचे आ रहा और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से वो नीचे को आ रहा है और अपर पार्ट ऑफ द फीमर में आके अटैच हो रहा है और हिप जॉइंट के, यहाँ है हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को फ्लेक्स करने में, बेंट करने में मदद कर रहा। नेक्स्ट है इलियाकस। इलियाकस इट अराइज फ्रॉम द इलियाक क्रस्ट। इलियाक क्रस्ट से अराइज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब देख सकते हैं ये है इलियम, इलियम ऑफ द हिप बोन, और उसके इस अपर पार्ट को इलियाक क्रस्ट कहते हैं और इलियाक क्रस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, वो भी नीचे आ रहा है, नीचे आके अपर पार्ट ऑफ द फीमर में आके अटैच हो रहा है। इसे इलियाकस कहते हैं एंड इट पासस ओवर द इलियाक फोसा ऑफ द हिप बोन एंड रन्स डाउनवर्ड, नीचे को आ रहा है एंड इज इंसर्टेड टू द फीमर, फीमर के अपर पार्ट में आके अटैच हो रहा है। नेक्स्ट है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड्री मीन्स फोर, सेप्स मतलब हेड्स। सो क्वाड्रिसेप्स मीन्स जिसके जिसके चार हेड होते हैं, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड क्वाड्रिसेप्स। फीमोरिस इसलिए कहते हैं वो फीमर के एंटीरियर पार्ट पे हैं। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस दिस फॉर्म्स मसल ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द थाई। थाई के फ्रंट साइड में, यहाँ पे थाई के फ्रंट साइड की मसल है ये। ये थाई के फ्रंट साइड की मसल को क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस कहते हैं। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, द मसल्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस इंक्लूड रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस लैटरलिस, वेस्टस मीडियालिस और वेस्टस इंटरमीडियस। ऐसे चार मसल है, चार मसल्स होने की वजह से ही क्वाड्रिसेप्स कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर, इसको मिडिल में है, उसको रेक्टस फीमोरिस कहते हैं पहला मसल। इस रेक्टस फीमोरिस को हटा दो तो उसके नीचे तीन मसल और है इसी ग्रुप के। तो ये है वेस्टस लैटरलिस, ये साइड में वेस्टस लैटरलिस है, और अंदर के साइड में, इनर साइड में ये जो है इसको वेस्टस मीडियालिस कहते हैं, और इन दोनों के बीच में और रेक्टस फीमोरिस के नीचे के, तो उसको वेस्टस इंटरमीडियस कहते हैं। वेस्टस लैटरलिस, वेस्टस मीडियस, ओके मीडियालिस, और इन दोनों के बीच में इंटरमीडियस, वेस्टस इंटरमीडियस, और इन सब के आगे रेक्टस फीमोरिस। इस प्रकार के चार मसल्स है इस क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में। सो रेक्टस फीमोरिस अराइज फ्रॉम द इलियम एंड द थ्री वेस्टाई या वेस्टस जो लैटरलिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस अराइज फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर। फीमर के प्रॉक्सिमल एंड से ये वेस्टस
ये फीमर के प्रॉक्सिमल एंड से स्टार्ट हो रहा है, ओके और जो रेक्टस फीमोरिस है इट अराइज फ्रॉम द इलियम, इलियम से स्टार्ट हो रहा है, ये इलियम के पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, हिप बोन से स्टार्ट हो रहा है रेक्टस फीमोरिस, और बाकी तीनों वेस्टस ये फीमर के अपर एंड से प्रॉक्सिमल एंड से स्टार्ट हो रहा है और नीचे को आ रहा है, एंड इट रन्स डाउनवर्ड्स ओवर द थाई, थाई के ऊपर से थाई के थ्रू वो नीचे आ रहा है, एंड इज इंसर्टेड इन टू द टिबिया, वो जाके नीचे आके इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, ये लोअर लेग के जो बोन है टिबिया, उस टिबिया में एक अटैच हो रहा है, ये नी जॉइंट को पार करते हुए क्रॉस करते हुए नीचे टिबिया में आके अटैच हो रहा है, एंड इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट को स्ट्रेट करने में, एक्सटेंड करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस आ रहा है, और ये पेटला के थ्रू, पेटला के ऊपर से ये उसके टेंडन आ रहा है, और ये आके ये जो हड्डी है ये है टिबिया, इस टिबिया में आके अटैच हो रहा है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। नेक्स्ट है ग्लूटियल्स, दिस मसल फॉर्म्स द फ्लशी पार्ट ऑफ द बटेक्स, बटेक्स के जो फ्लशी पार्ट है वो ये ग्लूटियल मसल से बने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्लूटियल मसल्स, सो दिस फॉर्म्स द फ्लशी पार्ट ऑफ द बटेक्स, बटेक्स के जो मसल है ग्लूटियल, ग्लूटियल मसल्स, इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मिनिमस है, लार्जर पार्ट जो ऊपर है मैक्सिमस, फिर मिडिल में है मीडियस, और या उससे भी छोटा उससे नीचे है जिसको मिनिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस है, सब मिला के ग्लूटियल मसल्स कहते हैं, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये पार्ट जिसको ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं उसके नीचे ग्लूटियस मीडियस है, ओके तो इस प्रकार के तीन मिलके ग्लूटियल मसल बने हैं, ओके इट अराइज फ्रॉम द इलियम एंड द सैक्रम, इलियम और सैक्रम से, इलियम ये इलियम है हिप बोन के वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये सैक्रम, ये सैक्रम है तो सैक्रम और इलियम से स्टार्ट हो रहा है, सैक्रम और इलियम से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड इट रन्स डाउनवर्ड ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बटेक्स, बटेक्स के पोस्टीरियर सरफेस से वो नीचे आ रहा है, एंड इज इंसर्टेड टू द फीमर, फीमर में आके अटैच हो रहा है, यहाँ पे जो मसल है बोन है फीमर, आप देख सकते हैं ये फीमर बोन है फीमर में आके अटैच हो रही है। ओके फ्लशी पार्ट ऑफ द बटेक्स बना रहे हैं, उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस है, सैक्रम और इलियम से स्टार्ट हो रहा है और फीमर में आके अटैच हो रहा है, एंड ये हिप की मूवमेंट में मदद करते हैं, और दिस इज द मसल टू विच इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड, बटेक्स में जहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो दिया जा रहा है वो ये ग्लूटियल मसल में है। नेक्स्ट है सार्टोरियस, दिस इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी के सबसे लंबी मसल है ये, इट क्रॉसेस ओवर द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों के ऊपर से, दोनों को क्रॉस करते हुए वो नीचे निकल रहा, आप देख सकते हैं ये हिप जॉइंट को क्रॉस कर रहा है साथ में नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, दो ये दिस इज ए लॉन्ग थिन लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो मसल है बॉडी के सार्टोरियस, सो इट अराइज फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से, क्योंकि ये इलियम है, इलियम में जो यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन है उसके नीचे एंटीरियर इन्फीरियर लेग स्पाइन भी है, एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से वो स्टार्ट हो रहा है, एंड इट रन्स डाउनवर्ड्स, एंड इट रन डाउनवर्ड ऑब्लिकली ओवर द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट ऑब्लिकली तिरछे में हिप जॉइंट के ऊपर से वो नीचे आ रहा, ओके एंड थाई के ऊपर से भी ऑब्लिकली क्रॉस करके वो नीचे आ रहा है, और नी जॉइंट में को भी वो क्रॉस कर रहा है, सो थाई में भी ऑब्लिकली वो आ गया और यहाँ पे नी को भी ऑब्लिकली वो क्रॉस कर रहा है।
नेक्स्ट है अडक्टर ग्रुप, अडक्टर से डराइज फ्रॉम द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन से स्टार्ट हो रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अडक्टर ग्रुप है, अडक्टर मसल्स है, ये स्टार्ट हो रहा है प्यूबिक बोन से। ये हिप बोन दिखाया हुआ है, ये पेल्विस है, यहाँ पे हिप बोन है, इस हिप बोन में ये प्यूबिक बोन है, यहाँ पे लेफ्ट प्यूबिक बोन, राइट प्यूबिक बोन के इलियम इस्कियम वगैरह सब है वहाँ पे। सो प्यूबिक बोन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्यूबिक बोन से स्टार्ट हो रहा है और नीचे को आ रहा है और लेग के मीडियल सरफेस में, इनर सरफेस में है। यहाँ पे लेफ्ट लेग भी है, तो ये राइट लेग के इस इनर सरफेस में पाए जाएंगे ये अडक्टर ग्रुप, अडक्टर, अडक्टर मसल। दिस फॉर्म्स मसल ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, थाई के मीडियल एस्पेक्ट पे है ये। एंड इट इंक्लूड्स अडक्टर मैग्नस, अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस वगैरह, ये सब मिलके, ये ऑल दिस सब मिलके अडक्टर ग्रुप कहते हैं, अडक्टर ग्रुप। तो अडक्शन में मदद करेगा और पैर को जो जो दूर जा गया हुआ पैर को पास में लेके आना उसको अडक्शन कहते हैं, दूर गया उसको नज़दीक ले गया ना उसको अडक्टर कहते हैं। अडक्शन में मदद करेगा, इन दोनों पैर को साथ में मिलाने में मदद करते हैं ये। एंड इट इज इंसर्टेड टू दी या अटैच टू द लीनिया एस्पेरा ऑफ द फीमर, फीमर का, फीमर के जो एक लाइन सा दिखता है तो उस लीनिया एस्पेरा में या फीमर के शाफ्ट में आके अटैच हो जाते हैं अडक्टर ग्रुप, फीमर के शाफ्ट में अटैच हो रहा, अडक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग मसल, दिस इज अ मसल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, थाई के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है ये, पीछे के एस्पेक्ट पे है। जब पीछे से देखते हैं तो पीछे के पोस्टीरियर पार्ट पे, थाई के पोस्टीरियर पार्ट पे, फीमर के पीछे है ये, फीमर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है ये हैमस्ट्रिंग मसल। दिस अराइज फ्रॉम द इशियम ऑफ द हिप बोन, हिप बोन के, ये हिप बोन है के, हिप बोन के इशियम, ये है इशियम, ये इशियम है और इस इशियल ट्यूबरोसिटी से ये स्टार्ट हो रहा है, इशियम से स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। एंड इज इंसर्टेड टू द टिबिया, टिबिया के अपर पार्ट में आके अटैच हो रहा है। एंड इट रन्स डाउनवर्ड ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, थाई के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से वो नीचे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए थाई के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से वो नीचे आ रहा है एंड इज इंसर्टेड टू द डिस्प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, टिबिया के अपर एंड या प्रॉक्सिमल एंड से टिबिया के अपर एंड में आके अटैच हो रहा है। द नेक्स्ट है गैस्ट्रोक्नीमियस, दिस इज द मसल ऑफ द काफ ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग के काफ मसल है ये, इसको काफ मसल या गैस्ट्रोक्नीमियस या काफ मसल, लोअर लेग ये घुटने के पीछे या घुटने के नीचे और पीछे के लेग के पीछे के जो पार्ट है जिसको काफ मसल कहते हैं, काफ कहते हैं। एंड इट अराइज फ्रॉम द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर, फीमर के कॉन्डाइल से, ये फीमर के यहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल और यहाँ पे लैटरल कॉन्डाइल है फीमर, ऊपर ऊपर वाले घुटने के ऊपर वाले पार्ट से, वहाँ से ये अराइज होते हैं एंड नीचे आ रहा है। ओके, इट कम्स डाउनवर्ड, तो इट पासस या रन्स डाउनवर्ड ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से वो नीचे आ रहा है। एंड इट इज़ इंसर्टेड टू द कैल्केनियस बोन, कैल्केनियस बोन, कैल्केनियस बोन कहाँ होगा, यहाँ पे हील में जो हड्डी है कैल्केनियस, और इस कैल्केनियस में आके अटैच हो रहा है। एंड जो टेंडन जिसके थ्रू वो अटैच हो रहा है, एचिलस टेंडन या उसको कैल्केनियल टेंडन भी कहते हैं, कैल्केनियल टेंडन के थ्रू वो आके कैल्केनियस बोन जो टार्सल बोन्स में से जो हील की जो हड्डी है कैल्केनियस उसमें आके अटैच हो रहा है। एंड इट हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ द नी, नी को फ्लेक्स करने में मदद करते हैं, जी नी जॉइंट को फ्लेक्स करने में मदद करते हैं। काफ मसल है, फीमर के कॉन्डाइल्स मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल से स्टार्ट हो रहा है, नीचे को आ रहा है, पोस्टीरियर पार्ट पे है लेग के और कैल्केनियस बोन में आके अटैच हो रहा है कैल्केनियल टेंडन की मदद से, और ये नी जॉइंट को फ्लेक्स करने में ये मदद भी कर रहा है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोक्नीमियस, ये गैस्ट्रोक्नीमियस आप देख सकते हैं,
ये कैल्केनियस बोन है और ये है एचिलस टेंडन या उसके कैल्केनियल टेंडन आके उसको अटैच करा रहा है। नेक्स्ट है एंटीरियर टिबियालिस। एंटीरियर टिबियालिस दिस लाइज इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग के एंटीरियर एस्पेक्ट पे सामने, ओके टिबिया के ऊपर से पास हो रहा है इसलिए एंटीरियर टिबियालिस या टिबियालिस एंटीरियर कहते हैं। अराइज फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द टिबिया, टिबिया के अपर एंड से वो स्टार्ट हो रहा है एंड रन्स डाउनवर्ड्स एंटीरियरली, नीचे को आ रहा है, इट इज़ रनिंग डाउनवर्ड एंटीरियरली एंड इज इंसर्टेड टू द मिडिल क्यूनिफॉर्म बोन ऑफ द टार्सल, टार्सल के मिडिल क्यूनिफॉर्म बोन, क्यूनिफॉर्म बोन यहाँ पे तीन है तो उसके तीन बोन में से उसके मिडिल में जो क्यूनिफॉर्म बोन है उसमें आके वो अटैच हो जाते हैं, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन ऑफ द बेस ऑफ द मेटाटार्सल्स में आके अटैच हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, राइट। या यहाँ पे लिखेंगे टार्सल बोन्स में आके अटैच हो रहा है, या टिबिया के अपर पार्ट से स्टार्ट हो रहा है नीचे को आ रहा है, नीचे आके टार्सल से या क्यूनिफॉर्म बोन से अटैच हो रहा है। नेक्स्ट है सोलियस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मसल ऑफ द काफ ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग के काफ मसल है, जैसे गैस्ट्रोकनीमियस देखा था ये भी पोस्टीरियर पार्ट पे है, और लेकिन ये जो सोलियस मसल है ये गैस्ट्रोकनीमियस मसल के नीचे रहते हैं, जैसे ये आप देखिए ये गैस्ट्रोकनीमियस मसल है, ये नीचे आके कैल्केनियस बोन में अटैच हो रहा है, वैसे ही इसके नीचे, इसके नीचे आप देख सकते हैं सोलियस मसल इसके नीचे है वो भी इस कैल्केनियल टेंडन के थ्रू आके कैल्केनियस में अटैच होगा। सोलियस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मसल ऑफ द लोअर लेग डीप टू द गैस्ट्रोकनीमियस, गैस्ट्रोकनीमियस मसल के नीचे है एंड अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द टिबिया एंड फिबुला, अपर पार्ट ऑफ द टिबिया एंड फिबुला से वो स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स इंसर्टेड टू द कैल्केनियस बोन बाई कैल्केनियस टेंडन या एचिलस टेंडन, ये कैल्केनियस बोन में आके वो अटैच हो रहा है थ्रू द कैल्केनियल टेंडन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द लोअर लेग एंड हिप। तो अब सबको समझ में आ गया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो क्या क्या डिस्कस किया था लेट मी ब्रीफ अप अगेन, डिस्कस किया था सोयास मसल के बारे में, ये था सोयास मसल, फिर उसके बाद इलियाकस के बारे में डिस्कस किया था, ये इलियाकस मसल हमने डिस्कस किया, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हमने डिस्कस किया था, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्लूटियल मसल्स, बटेक्स की मसल, सार्टोरियस डिस्कस किया था द लॉन्गेस्ट मसल, देन एडक्टर ग्रुप डिस्कस किया था जो मीडियल साइड में है थाई के, एंड हैमस्ट्रिंग मसल हमने डिस्कस किया था थाई के पीछे के मसल है ये, गैस्ट्रोकनीमियस डिस्कस किया था ये लोअर लेग के पीछे के मसल, एंड हमने डिस्कस किया था एंटीरियर टिबियालिस टिबिया के सामने, और सोलियस मसल डिस्कस किया था ये भी काफ मसल में हमने डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।